करते हैं भारत बचाओ रैली, और इस रैली में सर कांग्रेस की जो भारत बचाओ रैली थी, कांग्रेस की भारत बचाओ, भारत तो बचाए नहीं, कांग्रेस की देन है। आज जो ये हालत हो रखी है, मुसलमान इतने परसेंट बढ़ गए उसके बाद भी इनकी पैरवी कर रहे हैं। आज हमारे हिंदू जो है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ईरान से, उनके साथ तो इतनी जातियां हो रही हैं, उनकी माँ बहनों के साथ जो है बेइज्जती करके भेजा जा रहा है, मर्डर कर रहे हैं, परसेंटेज हमारा नाम मात्र रह गया। तो ये सारी देन कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस जो है अगर खुददार होती तो हमारे देश का ये हाल नहीं होता। लेकिन आज मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 370 उन्होंने की, इधर जो है वन रैंक वन पेंशन का काम उन्होंने किया, तीन राम मंदिर का कितना पुराना हिंदुओं का, जो राम मंदिर नहीं बनेगा तो और कहाँ बनेगा। अगर सर कांग्रेस कह रही है कि धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, प्रधानमंत्री हिटलर हो चुके हैं, क्या धर्म क्या है? वो खाली पाकिस्तान, वो खाली मुसलमान की बात करते हैं। हिंदू जो हमारे इतने मर के वहाँ से आ रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है, उनके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते। ये 370 हटाया तो हमारा पक्ष लेना चाहिए। वो उसमें भी जो पाकिस्तान की आवाज़ में पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, तो वो तो गद्दार हैं, शुरू से गद्दार हैं। ये सारी नेहरू की देन है, और नेहरू की जगह जिन्ना बन जाता तो हमारा देश का बंटवारा नहीं होता। उसने बंटवारा करने के बाद भी आधे मुसलमान यहाँ रख दिए, और आधे जो है वहाँ पर हमारे हिंदू गए, हिंदुओं के साथ बदतमीजी करके, और उनका जो है जातियाँ करके, माँ बहनों को जो है बेइज्जती करके, हमारे हिंदू वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। उनके लिए भी कांग्रेस कह रही है कि ये नहीं आने चाहिए। जो ये दंगाई उतरे हुए हैं सड़कों पे, इनके पीछे आपको किसका हाथ लगता है? बिल्कुल सरेआम कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस इनको भड़का रही है। वो बेचारे कम अकल के हैं, उनको पता नहीं है नुकसान हमारा ही हो रहा है। हिंदू कभी भी मुसलमान को यहाँ कोई परेशान नहीं करता। जो हमारे यहाँ का पैदाइश है वो हमारा भाई है, रहेगा। लेकिन बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आके हमारे हिंदुओं की यहाँ पर जो है हालत ख़राब करते हैं, यहाँ पर उग्रवाद फैलाते हैं, हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं। सोनिया गांधी कह रहे हैं अपने अधिकारों के लिए मुसलमान अपने घरों से, जिसने देश की भाषा नहीं कहा पता, वो देश के बारे में क्या सोचेगी? हमारे देश में कौन भाषा क्या क्या कहती है? कश्मीर में जवान लड़कियों का ये पेन मारते थे लाल पेन छाती में, वो लू पड़ता था। कांग्रेस के टाइम फायर नहीं कर सकते थे हम फौजी, तो वो क्या देश का करेगी? भारत बचाओ रैली तो आए ना सर, भारत बचाने निकले थे कांग्रेस, कांग्रेस बताना थोड़ी सी बर्बाद करने में है वो बर्बाद करने में कांग्रेस को, कांग्रेस ने अपना पेट भरना और कोई मतलब नहीं है। सर वो कह रहे छात्रों की आवाज़ दबा रहे प्रधानमंत्री, इसलिए हम आए। वहाँ वो छात्र तो थे ही नहीं, जो जामिया की बात कर रहे हैं वहाँ छात्र तो थे ही नहीं, सारे उड़दंगी थे, उनकी पहचान हो चुकी है। छात्रों ने कोई ऐसी बात नहीं करी, छात्रों का क्या बता। सोनिया गांधी कह रहे हैं कि अपने अधिकार के लिए मुसलमान घर से बाहर निकले। उन्होंने तो हमेशा से जो ना मुस्लिम तुष्टिकरण की जो ना राजनीति की है कांग्रेस ने, और आज भी कर रही है। देश को बंटवारे की जिम्मेदार कांग्रेस थी और आज भी है। मोदी तो जो इतना जो देश हित में इतना काम किया है, मोदी के मुकाबले तो कोई कर नहीं सकता। सोनिया और ये जो सब राहुल है, जो ये सब भकाने का काम कर रखा है, जो इतना हिंदू जो मोदी ने काम कर दिया, वो कोई देश में नहीं आएगा, नहीं करेगा। कांग्रेस ही भड़का रही है शुरू से ही, अभी से ही। पहले भी इन्होंने देश को बंटवारा किया था नेहरू के, और आज भी इन्हीं की वजह से ही मोदी तो बल्कि ठीक कर रहे हैं। मोदी जी तो एकता चाहते हैं भाई, वो क्यों भड़काएंगे जनता को? लेकिन ये कांग्रेसी लोग है ना, ये जनता को भड़का रहे हैं। जनता की आवाज है बिल्कुल, कोई नहीं, ये सारे कांग्रेस करवा रही, जो भी करवा रही। तो हिटलर बता रहे हैं मैम, तानाशाह बता रहे हैं। नहीं, मोदी नहीं है हिटलर। मोदी तो एकता चाहता है देश में, शांति चाहता है। जो लोग पत्थरबाजी पुलिस में कर रहे हैं, ये हालांकि ये देशभक्त नहीं है, ये सबसे बड़े देशद्रोही है। जी सर, मेरा नाम गुलशन आहूजा है, मैं शाहदरा विधानसभा से हूँ। आप आए हैं प्रधानमंत्री की रैली में, आप सीए को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करता हूँ जी, तहे दिल से करता हूँ सपोर्ट। मेरा विरोधी बताया जा रहा है, कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। मैं चावड़ी बाजार में कार्यरत हूँ, मुसलमान मेरे साथ काम करते हैं, और मैं उस मुसलमान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनका एक भी बाल बाका नहीं होगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हिंदू भाई साथ में खड़ा हुआ है। सिर्फ तीन देशों के मुसलमानों को हमने बहिष्कृत किया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये तीन देश अपने आप में इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ के मुसलमानों को हम क्यों लें? क्या आतंक फैलाने के लिए अपने यहाँ? नहीं लेंगे हम। हम हिंदुओं को शरणार्थी देंगे, सिखों को देंगे, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुसलमानों को नहीं देंगे। और हिंदुस्तान के भाई, मुसलमान भाइयों को एक ही संदेश, हम उनके लिए जान लड़ा देंगे, लेकिन वो अराजकता फैलाएंगे तो नहीं सहेंगे। सर आप विपक्ष बोला देश के टुकड़े, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। विपक्ष ने राजनीति की रोटियां सेकनी है, वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। उन्होंने देखा कि मोदी जी सारे बिल पास करते जा रहे हैं, धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर का, सब हम मसले हल हो गए, कुछ नहीं हुआ।
और वो जहाँ भी आप दंगे देख रहे हैं सिर्फ भाजपा के जहाँ प्रदेश मुख्यमंत्री वहाँ हो रहे हैं, उसके अलावा नहीं हो रहे हैं। जहाँ कब सोनिया गांधी जी राजघाट पर क्या करने बैठी हैं, उन्हें पता है कि आज प्रधानमंत्री की रैली है, वो धरने में बैठी हैं, क्योंकि कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था। बचा रहे ना सर, कौन सा भारत बचाएंगे? जिस कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों को अपना दामाद बना के रखा, आज वही मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। जिस देश के अंदर सबसे पहले तो नेहरू ने गलती करी, नेहरू और जिन्ना ने मिलकर जब टुकड़े किए थे, हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमारे पूर्वज पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें पता है हमें लाने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल था या आज मोदी है जो दोबारा शेर आया है। हिंदुस्तान में दो शेर पैदा हुए हैं, सरदार पटेल और आज मोदी। उसने आज के साथ किसी के साथ कोई वो नहीं करा, किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। मुसलमानों को तो भड़काया जा रहा है, दंगा फैलाए जा रहे हैं, और अगर वो मुसलमान भाई नहीं समझेंगे तो उसका भी सरकार को निपटना आता है, वो निपटेंगे इनसे। कह रहे हैं हिंदू सिख बौद्ध जैन मुस्लिम सब परेशान है, अपने डॉक्यूमेंट तलाश रहे हैं, भय का माहौल कर रखा है प्रधानमंत्री। केजरीवाल जी ने कन्हैया कुमार भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने जेएनयू में बोला इंशाअल्लाह कातिल अफजल तेरे कातिल जिंदे हैं, उनके केस की परमिशन नहीं दिया, और ऐसे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाले जो हिस्से हैं वो समर्थन करेंगे, जनता उनकी जवाब देगी। बलात्कारी को सिलाई, केजरीवाल बलात्कारी को सिलाई मशीन तक देता है, तो उनसे क्या उम्मीद किया जाए? रोजगार दे रहे ना, नहीं बलात्कार जिसको फांसी की सजा होना था उसको सिलाई मशीन दिया जाता है। हमारे मोदी जी ने सारे काम जो 25 साल से पेंडिंग था उसको पूरा किया। बलात्कार करने वाले को सिलाई मशीन देके वो प्रोत्साहन करना चाहते हैं क्या? गलत है ये तो। यही कहते हैं सर। कहाँ से सही है ये बताओ? 5-5 लाख रुपए भी दे रहे हैं जो दंगों में घायल होंगे। अरे भाई, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान दे रहा है, तुम तो उनको बढ़ावा दे रहे हो। काहे को बढ़ावा दे रहे हो जी? सरकारी बसें चला दी उन्होंने, इतनी प्राइवेट प्रॉपर्टियों पर आग लगा दी है, कहाँ का इंसाफ है ये? उनको तो उल्टा सजा मिलना चाहिए, 5 लाख तो दूर के, उनको 5 जूते मारने चाहिए उनको तो। योगी जी ने करा है सर, योगी जी बिल्कुल सही किया, मैं उसका समर्थन करता हूँ। योगी जी ने किया वही पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए। जो भी व्यक्ति दंगा करे फसाद करे उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। दंगा करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी है और दंगाई है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आपने वो भीड़ भी देखी है जो सड़कों पर उतर कर तोड़फोड़ कर रही है, आप एक ये भीड़ भी देखिए। ये भीड़ देख के पहली बात तो केजरीवाल को हार्ट अटैक ही हो गया होगा। और यहाँ आप देखिए जिस हिसाब से मोदी जी की रैली, अंदर हाउसफुल है और बाहर की सड़कों का भी हाल देख लीजिए। मैं पहले मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, आज एक नया नारा दिया दिल्ली चले मोदी के साथ। 1731 कच्ची कॉलोनियां जो आज तक 70 साल से कोई पार्टी पास नहीं कर पाई, वो आके मोदी जी ने पास करा, सबको नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। मेरा नाम इंद्रेश जी। इंद्रेश जी, जो अभी इस समय रोडों पर आगजली चल रही है, आपको क्या लगता है किसका हाथ है इसके पीछे? यार हाथ बात तो पता नहीं, लेकिन गलत है, जो भी है गलत है। लोगों को समझना चाहिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज तो ना ही करें। गुस्सा है अपनी जगह सही है, बाहर आए प्रदर्शन करें, क्वेश्चन पूछें, सरकार से पूछें, सबसे पूछें, लेकिन ये जो आग जली है और जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है वो गलत है थोड़ा। और जो भारत बचाओ रैली निकली थी सर और आज प्रधानमंत्री की रैली निकली हुई है, क्या डिफरेंस लगता है सर? यार देखो, डिफरेंस तो बस यही है, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। जो उन्होंने रैली निकाली थी वो उनको लग रहा था कि उनके राइट्स जो है दब रहे हैं इसलिए उन्होंने निकाली थी, लेकिन उनका जो वे था वो गलत था। मैं भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से और भी ऐसी रैलियाँ निकलें, अवेयरनेस हो कि एक्चुअल में बिल क्या है, किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, कौन भारत के नागरिक हैं। लोग बोल रहे हैं कि 5 करोड़ लोग आ जाएंगे, भाई आ कौन रहा है, जो हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को पहले से भी ऐसे स्टेप लेने चाहिए थे, अभी और ज़्यादा लेने चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि क्या है एक्चुअल में बिल। मगर विपक्ष कह रहा है सर कि धार्मिक नाम पर टुकड़े होने वाले इस देश के, धर्म के नाम पर बांटे जाने वाला इस देश को, लोग डरे हुए हैं, भय में हैं लोग, इसलिए रोडों सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक्चुअल में क्या है ना, उन लोगों को थोड़ा नॉलेज नहीं है, उनका डर अपनी जगह बहुत सही है, उनको लग रहा है कि हम लोगों को निकाल दिया जाएगा। अभी जो कोई मुसलमान है उसको लग रहा है कि यार हमको निकाल दिया, जैसे मान लो कि मैं हूँ, मुझे बिल के बारे में पता नहीं है और मुझसे किसी ने बोल दिया कि यार मुसलमानों को तो 22 के बाद निकाल दिया जाएगा, तो ऑब्वियस है कि मेरे अंदर डर होगा। तो उनको यार पता नहीं है, इसीलिए जो यूथ है जो पढ़े लिखे हुए हैं उनको तो पता है, चलो ठीक है, उनमें से कोई राइट विंग हो सकता है, कोई लेफ्ट विंग हो सकता है, उनका किसी का प्रोपोगंडा हो सकता है। जेएनयू में भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनको क्यों डर लग रहा है, वो क्यों कह रहे हैं कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी? नहीं यार देखो, सीए का विरोध हिंदुओं का विरोध कब से हो गया सर? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि सीए का विरोध हिंदुओं का विरोध है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अवेयरनेस होनी चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। पढ़े लिखे कारण से तो यूनिवर्सिटी में पढ़े, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं उनको कुछ डाउट्स हैं,
तो उनको जो डाउट्स हैं वो पूछने चाहिए। अच्छी बात है यार, वो तो पढ़े लिखे मंत्री लोग भी हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, जो लोकसभा में विधानसभा में आते हैं, उनको भी डाउट है, तो ये डाउट क्लियर करने चाहिए। हमारे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री दिल्ली के वो कह रहे हैं कि लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तलाश रहे हैं, सबको डर का भय का माहौल है, और सीए लाने की क्या जरूरत थी, पहले बेरोजगारी पे ध्यान देती सरकार, जीडीपी पे ध्यान देती, ये इसकी जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली आपका नाम सर? नवीन वर्मा। जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कहीं डर का माहौल नहीं है। अगर डर का माहौल ऐसा होता जैसे नाजी बता रहे हैं गवर्नमेंट को या फासिस्ट बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डर का माहौल होता तो इतने प्रोटेस्ट नहीं होते। सर बार बार केजरीवाल सीए को एनआरसी से क्यों जोड़ रहे हैं? एनआरसी का कोई ड्राफ्ट तो नहीं आया, तो एनआरसी से जोड़ा क्यों जा रहा है? एक्चुअली सीए और एनआरसी बिल्कुल ही अलग है। एनआरसी की तरफ से अभी कोई एनआरसी के लिए कोई घोषणा भी नहीं हुई है कि मीन्स क्या उसमें ड्राफ्ट रहेगा, कैसे किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सीए बिल्कुल अलग है, जो कि बिल्कुल जो भारत का नागरिक है उसके खिलाफ तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती।